नमस्ते, मैं नरेंद्र दुबे, सागर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश जीके का पार्ट 10, 10वां पार्ट है ये, और उत्तर प्रदेश का पार्ट 3 है। ब्रिटिश काल लगभग 75 वर्ष की अवधि में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश व्यापारक कंपनी ने धीरे धीरे अधिग्रहण किया। विभिन्न उत्तर भारतीय वंशों 1775, 1798 और 1801 में नवाबों, 1803 में सिंधिया और 1816 में गोरखों ने छीने गए प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा, लेकिन 1833 में इन्हें अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत, आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी जो कहलाता था, गठित किया गया। 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया और आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत वर्तमान और उत्तर प्रदेश की सीमा के समरूप के नाम से इसे 1870 ईस्वी में पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला लिया गया। 1902 में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1857 1859 ईस्वी के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ विद्रोह मुख्यतः पश्चिमोत्तर प्रांत तक सीमित था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों के बीच भड़का विद्रोह कुछ ही महीनों में 25 से भी अधिक शहरों में फैल गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। 1858 ईस्वी में विद्रोह के दमन के बाद पश्चिमोत्तर और शेष ब्रिटिश भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया। 1880 ईस्वी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा। प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए। 1922 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए किया गया महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे संयुक्त प्रांत में फैल गया, लेकिन चौरी गांव में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने अस्थायी तौर पर आंदोलन को रोक दिया। संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी केंद्र रहा। ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे, नहर और प्रांत के भीतर ही संचार के साधनों का व्यापारिक विकास हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया और यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित किया, जैसे विश्वविद्यालय कई महाविद्यालय स्थापित किए गए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1 साल तक चला और अधिकतर उत्तर भारत में फैल गया। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस विद्रोह का प्रारंभ मेरठ शहर में हुआ। इसका कारण अंग्रेजों द्वारा गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस देना बताया गया। इस संग्राम का एक प्रमुख कारण डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति भी थी। यह लड़ाई मुख्यतः दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और बरेली में लड़ी गई। इस लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खान, नाना साहेब, मौलवी अहमदुल्ला शाह, राजा बेनी माधव सिंह, गंगा बख्श रावत, वीरांगना उदा देवी पासी, अजीमुल्ला खान और अनेक देशभक्तों ने भाग लिया। 20वीं शताब्दी का उत्तर प्रदेश देखेंगे। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। सन 1921 में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ कर दिया गया। प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित की गई। स्वतंत्रता पश्चात का काल 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। 2 साल बाद इसकी सीमा के अंतर्गत
स्थित टिहरी, गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। इसने देश को जवाहरलाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी अल्पसंख्यक दलों के नेता और भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं। राज्य की राजनीति हालांकि विभाजनकारी रही है और कम ही मुख्यमंत्रियों ने 5 वर्ष की अवधि पूरी की है। गोविंद वल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। सन 2000 में पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र स्थित गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर एक नए राज्य उत्तरांचल का गठन किया गया, जिसका नाम बाद में बदलकर 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। प्रदेश के उत्तरी एवं पूर्वी भाग की तरह पहाड़ तथा पश्चिमी एवं मध्य भाग में मैदान है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर में हिमालय का यह क्षेत्र बहुत ही ऊंचा, नीचा और प्रतिकूल भूभाग है। यह क्षेत्र अब उत्तरांचल के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र की स्थलाकृति बदलाव युक्त है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर तथा ढलान 150 से 600 मीटर किलोमीटर है। मध्य में गंगा का मैदानी भाग, यह क्षेत्र अत्यंत ही उपजाऊ जड़ोल मिट्टी का क्षेत्र है। इसकी स्थलाकृति सपाट है। इस क्षेत्र में अनेक तालाब, झीलें, नदियां हैं। इसका ढलान 2 किलोमीटर है। दक्षिण का विंध्याचल क्षेत्र, यह एक पठारी क्षेत्र है तथा इसकी स्थलाकृति पहाड़ों, मैदानों और घाटियों से घिरी हुई है। इस क्षेत्र में पानी कम मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः उष्ण देशीय मानसून की है, परंतु समुद्र तल से ऊंचाई बदलने के साथ इसमें परिवर्तन होता है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से घिरा राज्य है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। भूगोलीय तत्व, उत्तर प्रदेश के प्रमुख भूगोलीय तत्व इस प्रकार से हैं: भूमि, भू आकृति। उत्तर प्रदेश को दो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों, गंगा के मध्यवर्ती मैदान और दक्षिण उच्च भूमि में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा गंगा के मैदान में है। मैदान अधिकांशतः गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बने हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में उतार चढ़ाव नहीं है। यद्यपि मैदान बहुत उपजाऊ हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई में कुछ भिन्नता है, जो पश्चिमोत्तर में 305 मीटर और सुदूर पूर्व में 58 मीटर है। गंगा के मैदान की दक्षिणी उच्च भूमि अत्यंत विच्छेदित और विषम विंध्य पर्वतमाला का एक भाग है, जो सामान्य दक्षिण पूर्व की ओर उठती चली जाती है। यहाँ ऊंचाई कहीं कहीं ही 305 से अधिक होती है। नदियां, उत्तर प्रदेश में अनेक नदियां हैं, जिनमें गंगा, यमुना, बेतवा, कैन, चंबल, घाघरा, गोमती, सोन आदि मुख्य हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली इन नदियों के उद्गम स्थान भी भिन्न भिन्न हैं, अतः इनके उद्गम स्थलों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां, दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां बेतवा, कैन, चंबल आदि प्रमुख हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में यहां से आगे का पार्ट देखेंगे और वो अंतिम उत्तर प्रदेश का पार्ट होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र दुबे सभी का आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। सभी मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक कमेंट भी सभी लोग करें। धन्यवाद। नमस्ते।